है कि 15/6/2024 से अगले आदेश तक इन लोगों का काम नहीं लिया जाए। एक बार हम लोग बस मन एक ऑटोमेटिक बेरोजगार हो जाते, उसमें कोई कारण नहीं दिया आप लोगों से क्यों नहीं काम लिया जाएगा, आप लोगों पे क्या प्रत्यारोप आरोप है, कुछ नहीं। विभाग के एक गलती से हम लोग रोड पे आ गए। एक ही मांग है, नीतीश कुमार ने लिखा है रोजगार मतलब नीतीश सरकार, ये कहाँ का न्याय है? लगभग चार साल काम करा है, उसके बाद रोड पर ला दिया। बिहार के जो भविष्य है उस पर हम लोग चिंतित हैं कि हम लोग जब नमस्कार फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ सदन सिंह अमीन, जो कि 3.5 साल काम करवा के इन्हें विभाग के द्वारा हटा दिया गया, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कुछ दिन पहले की बात करें तो सम्राट चौधरी के घर पे इनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया था और तमाम मंत्रियों के घर आवास जा जा के ये अपनी जो फरियादी है शिकायत है पहुंचा रहे हैं, लेकिन इनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं। लेकिन आज जनता दल यूनाइटेड जदयू के प्रदेश कार्यालय पहुँचे हैं और यहाँ पर जनसुनवाई होती है, तमाम मंत्रियों आते हैं, सुनवाई होती है। लेकिन सबसे सवाल है कि इनके ऊपर लाठी चार्ज हुई और उसके बाद से कई जगह ये लोग गए लेकिन इनकी अब तक समस्या का समाधान नहीं हो चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीरा मिश्रा है, जो वैशाली दृष्टि में पोस्टेड थे, मेरा घर दरभंगा है। जितना पूरे प्रकरण को समझाइए, क्या मसला? पूरे जितना भी साथी है ना, हम लोग बिहार के अंचल अमीन है। 550 का बहाली 2019 में हुआ था, प्रक्रिया होकर 2021 में हम लोगों को अंचल में भेज दिया गया था। हम लोग तब से काम कर रहे थे ईमानदारी पूर्वक, 3.5 साल काम करने के बाद। कितनी बहाली हुई थी? 550 का बहाली निकला था। 550 की बहाली हुई थी, सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला था। हाँ, उसके बाद 2019 और उसके बाद हम लोग मैंने 21 में हम लोगों को प्रक्रिया करके बहाल किया। 487 अमीन बहाल हुए, अभी वर्तमान में 307 अमीन बचे हुए थे। बहाल होने की क्या प्रोसेस थी? मैंने एग्जाम था, एग्जाम भी आप लोगों ने दिया? एग्जाम था। उसके बाद एग्जाम दे के हम लोग ऊपर 1.5 महीना ट्रेनिंग हुआ, एडीएम लेवल से जो डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन हुआ, 16 टेबल बना के जो एडीएम लेवल नियमानुसार विज्ञापन के अनुसार। लेकिन हम लोगों को ऑटोमेटिक 13/6/2024 को एक आदेश निकलता है भू अभिलेख एवं परिमाप निर्देशालय के डायरेक्टर जय सिंह के द्वारा, उसमें लिखा रहता है कि 15/6/2024 से अगले आदेश तक इन लोगों का काम नहीं लिया जाए। एक बार हम लोग बस मन एक ऑटोमेटिक बेरोजगार हो जाते, उसमें कोई कारण नहीं दिया आप लोगों से क्यों नहीं काम लिया जाएगा, आप लोगों पे क्या प्रत्यारोप आरोप है, कुछ नहीं। विभाग के एक गलती से हम लोग रोड पे आ गए, उसके बाद हम लोग लगातार पटना। विभाग की गलती हुई या फिर आप लोगों की कोई गलती? नहीं, कोई गलती नहीं। हम लोग तो कहते हैं कोई हम लोगों का गलती होगा। वेतन मिलती थी आप लोगों? हम लोगों का 14,250 हम लोग। मेरा नाम त्रिभुवन कुमार है और बेगूसराय में पोस्टेड हम हैं। बिहार सरकार के द्वारा राजस्व भूमि सुधार विभाग में 2/19/2019 में एक विज्ञापन निकाला गया जिसमें 5 पद की बहाली की प्रक्रिया था, जिसमें सर्वेयर अमीन का, कानूनगो का और 550 का एक अमीन का भी था, क्योंकि उस समय में विगत 15-20 साल से अमीन की वैकेंसी नहीं, बहाली नहीं था, अमीन का बहुत अति ललक ये चल रहा था। हाँ, तो इसको लेकर के विज्ञापन संख्या 2/19 हम आपको दिखा भी रहे हैं, ये निकाला गया और इस प्रक्रिया को पूरा करते करते विज्ञापन संख्या 2/19 इस पूरा प्रक्रिया को करते करते 2021 के फरवरी में 25 और 26 को हम लोगों को पूरे बिहार में जो अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई किया हुआ था उसमें चयनित होकर के काउंसलिंग के लिए बुलाया गया और हम लोगों की काउंसलिंग करवाया गया और 15 वरीय अधिकारी ने जांच डॉक्यूमेंट को जांच करके काउंसलिंग किए, उसके बाद हम लोगों को सिलेक्शन कंप्लीट हुआ। उसके बाद जो है सो हम लोगों को 1.5 महीना की ट्रेनिंग ली गई, उसके बाद हम लोगों को परीक्षा लिया गया ऑनलाइन, उसके बाद हम बता दे रहे हैं पूरे बिहार के बंदोबस्त कार्यालय में हम लोगों को भेज दिया गया। पुनः बंदोबस्त कार्यालय से विभागीय निर्देशानुसार बिहार के 534 अंचल में हम लोगों को 487 अमीन का, 550 का सीट था, 487 ज्वाइन किया था और सभी को बिहार के 534 अंचल में भेज दिया गया। क्या मांगे एक मीटिंग, क्या मांगे आप? मेरा एक ही मांग है, नीतीश कुमार ने लिखा है रोजगार मतलब नीतीश सरकार, ये कहाँ का न्याय है? रोजगार मतलब नीतीश सरकार ये क्या है सर? हम लोग रोड पे भटक रहे हैं, दर दर हर ऑफिस हर कार्यालय में हर मंत्री के पास में आंसू बहा रहे हैं, हर घर में जा कर के दिया जलाते हैं हम लोग और हर घर में वैसा काम किए जो कि बिहार में इतिहास में कोई अमीन नहीं किया होगा, जो हम लोग ये 550 ने करके दिखाया है। लेकिन नीतीश कुमार सिर्फ क्या लिखता है रोजगार मतलब नीतीश सरकार? क्या नाम है आपका? चितरंजन कुमार हुआ सर। हाँ, मेरा मांग है सर, हम सब अंचल अमीन है जो कि 1.5 महीना से लगभग काम से बाधित कर दिया गया है राजस्व के द्वारा। हमारा यही मांग है कि हम सबको पुनः फिर से प्रतिनियुक्ति की जाए अंचल में, ताकि हम सब अपना काम, हम भागलपुर जिला से आए हुए हैं सर, भागलपुर बेगूसराय वैशाली सिवान से आए। सिवान से आए, लोगों को मांग है कि हम सदन न्याय होना चाहिए।
अंचल में भी सीट खाली है। साढ़े तीन साल काम करवा के आप लोग? लगभग चार साल काम कराए, उसके बाद रोड पलट दिए। यही न्याय के लिए सौरभ कुमार नाम है, गया जिला से हम आए हैं। रोहतास में मेरी पोस्टिंग थी, दिनारा ब्लॉक में। अभी हम लोग की जो बहाली हुई थी एक्चुअली में साढ़े तीन साल पहले तो हम लोग सर्वे कार्य के लिए बहाली हुआ था, लेकिन उस समय अमीन की कमी थी तो हम लोग को अंचल में पोस्टिंग कर दिया गया। अभी सर्वे का कार्य चल रहा है, एक तरफ बहाली हो रही है और दूसरे तरफ हम लोग साढ़े तीन साल से काम कर रहे थे, हम लोग एक्सपीरियंस्ड हो गए थे, हम लोग काम करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, हम लोग का काम बहुत बढ़िया से चल रहा था, सारे कार्य को बढ़िया से किए हैं। और उसके बाद साढ़े तीन साल कार्य करने के बाद अभी सर्वे का कार्य पूर्ण भी नहीं हुआ है और हम लोग को जय सिंह सर के द्वारा एक लेटर जारी करके हम लोग को टर्मिनेट किया है। अभी हम लोग नौकरी जब जय सिंह डायरेक्टर है भू अभिलेख में परिवहन निदेशालय के, हम लोग जब डेढ़ महीना से लगातार दौड़ रहे हैं, हम लोग हर दरबार जितना भी दरबार लगता है सब में दौड़ रहे हैं, काम नहीं हो रहा है। बिहार के जो भविष्य है उस पर हम लोग चिंतित हैं कि हम लोग जब डेढ़ महीना से लगातार हर जगह दौड़ रहे हैं, मेरा हम लोगों का काम छोटा सा नहीं हो रहा है, तो बिहार का जनता का बिहार का भविष्य क्या होगा। आज हम लोगों का उम्मीद था कि जो मंत्री साहब आए थे विजेंद्र प्रसाद यादव जी, उससे उम्मीद था कि एक बहुत बात हुई उनसे कि बोला हम लोगों को विभाग करने, जब इतना बड़ा मंत्री एक बार में कह सकता है ये मेरे विभाग का नहीं है। दिलीप जायसवाल जी से हम लोग 10 बार मिल चुके हैं, एक बार नहीं, सिर्फ आश्वासन, बस आश्वासन। जिस देखिए ये एक बड़ी अपडेट आपको हम दे रहे हैं कि लगभग 4.5 साल ये लोग अंचल अमीन है, इन लोगों की बहाली हुई, एग्जाम हुई और बहाली जब हुई तो इन लोगों का वेतन भी मिल रहा था सर्वे के लिए किया गया था, लेकिन उसके बाद से इन लोगों को जो सो है निकाल दिया गया है। इनकी जो समस्याएं थी इन्होंने आपको बखूबी सुनाया है, इनकी समस्याएं कि हम लोगों के साथ न्याय होनी चाहिए, हम लोग दर दर की तो भटक रहे हैं लेकिन हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। वैरल स्कर्ट में इतना ही, आगे अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।